माइनक्राफ्ट मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट गेम। इस गेम में मैंने अपना घर बनाया, कासल बनाया, बहुत सारे एनिमल्स को पाला और बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर को मारा भी, और फिर एंडर ड्रैगन को मार के गेम एंड करने के बाद मैंने बहुत सारे बिल्ड बनाए। मैंने अम्यूजमेंट पार्क बनाया, जू बनाया, एक प्यारा सा ट्री हाउस बनाया और म्यूजियम भी बनाया जिसके अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं। बट सबसे क्रेजी चीज जिसे आप सब लोग देखना चाहते थे, 20 मिलियन सरप्राइज, आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है? मुझे वो रिवील करना था बट उसके बाद मैंने गेम खेलना ही बंद कर दिया। पर आज फाइनली मैं पूरे के पूरे 200 डेज बाद दोबारा से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। और सबसे मस्त चीज, आज ही माइनक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया है, माइनक्राफ्ट 1.20, जिसमें बहुत सारी नई नई चीजें आई हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने वर्ल्ड में, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार अपनी सारी चीजों को। मैं पता नहीं क्यों मैंने माइनक्राफ्ट छोड़ दिया था यार, मेरा फेवरेट गेम है। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्यूटीफुल वर्ल्ड। काफी टाइम बाद यार मैं अपने कासल के बाहर आया हूँ। कितना प्यारा लग रहा है भाई। एक बार चल के ना मैं आप लोग को टूर दे देता हूँ, जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि आखिरकार मैंने क्या बनाया है, आज उन्हें भी पता चल जाएगा। तो ये अपना कासल जिसमें एक सीढ़ी जा रही है राइट से, एक सीढ़ी लेफ्ट से, जाती है एक ही छत पे, तो पतंग वतंग उड़ाने का मन हो तो यहाँ से जा सकते हो। बाकी एंट्री फुल राजा महाराजा वाली भाई, ऑटोमेटिक एंट्री है। देखो मेरे को दरवाजा खोलने के लिए कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस चल के आना है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और सामने जाते ही एक प्यारी सी बहुत बड़ी राजगद्दी मेरे लिए। हाँ वो बात अलग है कि मेरे पास कोई प्रजा नहीं है, बस मैं अकेला राजा हूँ। और मैं नहीं हूँ राजा भी, मैंने एक कुत्ते को बना रखा है अपने कासल के, है ना भाई? हाँ तू ही है राजा, ये ले सी बात पे ये खा, ठीक है? और ये मेरी बिल्ली है, तू खाती है? नहीं ये नहीं, तू बैठ जा। तो ये राजा रानी है, कुत्ता राजा है, बिल्ली रानी है। मतलब ये छोड़ो यार, ये कोई राजा रानी नहीं है, टाइम पास है। राजगद्दी खाली पड़ी थी तो मैंने किसी और को बैठा देते हैं। बाकी अपने कासल में एक रूम है लेफ्ट साइड पे, ये रहा, जिसमें मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस मैंने ऐसे टाइम पास के लिए यहाँ पर ऐसे बुक शेल्फ वगैरह रख दिया। लगता ना चाहिए कि मैं भी थोड़ा एन्चेंटिंग वगैरह करता हूँ। ये दरवाजे किसने खोल रखे हैं भाई? हेलो, ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएंगे रात में। हाँ तो लेफ्ट वाला रूम था ऐसे टाइम पास के लिए, बट राइट वाला रूम काफी काम का है। ये प्रॉपर मेरा इन्वेंट्री एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी मैंने चेस्ट रखी हुई है, क्राफ्टिंग टेबल है, चीजें बनाने के लिए फर्नेस है, कुकिंग के लिए। और इन सब चेस्ट में बहुत सारा काम का सामान है जिसे मैं पता नहीं कभी यूज करूंगा, वो सब छोड़ो। अभी मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कासल के ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ये आगे सीढ़ियां मस्त एकदम शाही सीढ़ियां जो कि जाते, ये दरवाजे क्यों खुले हैं सारे? हाँ इस कमरे में भी कुछ नहीं है, ये किराए पर चढ़ाएंगे, अभी इसे बंद करो। मेरे कासल इतना बड़ा है, बंदे रहने के लिए है नहीं। तो ये होगी राइट वाली सीढ़ियां, अभी फटाफट से लेकर चलता हूं भाई लेफ्ट वाली सीढ़ी पे। पता नहीं मैंने इस वाले रूम में कुछ करा है या फिर सिर्फ बना के। ये भी किराए पे चढ़ेगा भाई, बंद। लेकिन ये सब किराए पे चढ़ जाएगा, बट बेसमेंट बहुत तगड़ी बनाई है मैंने, इसको बाद में दिखाऊंगा, ये बहुत क्रेजी है। क्योंकि तो ये देखो, ये कासल मेरा फुल पर्सनल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी चेस्ट है और हर चेस्ट में बहुत सारा सामान है। और ये सारा काम का सामान है, थोड़ा महंगा महंगा सामान, वैसे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा बहुत डायमंड पिकैक्स, गोल्ड के शूज। अबे एक सेकंड यार, बहुत सारा नेदरराइट्स वगैरह हुआ करता था मेरे पास, कहाँ चला गया सारा? ये देखो इसके अंदर है कुछ कुछ एंशियंट डेब्रिस, थोड़ा ही बचा है। बट हाँ यार इसमें सामान हुआ करता था, मैं दोबारा से इकट्ठा करूंगा। बट ये है मेरा मेन एरिया जहाँ पर मैं अपना सारा सामान संभाल के रखता हूँ, कुकिंग करता हूँ, चेस्ट में कुछ कुछ सामान। ये देखो ड्रैगन का हेड मैंने रखा हुआ है, ड्रैगन का एग इसमें संभाल के रखा हुआ है। और इस तरफ में है अपना 20 मिलियन सरप्राइज का दरवाजा जिसके अंदर अभी मैं जाने वाला हूँ, आपको कुछ कुछ तो दिख रहा होगा उस पार। अभी चलते हैं, थोड़ा सा रुक के चलते हैं, बट पहले आप मेरा रूम देख लो। अभी मेरा बेड कहाँ गया? बेड छोड़ो, अपने पास ही रखता हूँ यार, मैं अभी चाहूँ तो जहाँ मर्जी सो सकता हूँ। बाकी ये एक नीचे खाई है, कल को अगर मेरा सुसाइड करने का मन हुआ तो मैं यहाँ से कूद के सीधा मर जाऊंगा, गेम खत्म। बट अभी मेरा मन नहीं है तो उसको बंद कर देते, ठीक है? मैंने ऐसे घर में एक सुसाइड ऑप्शन बनवा रखा था। अभी चलते हैं मेरे कासल की बैक साइड पे जो कि है मेरा टाउन हॉल। ये टाउन हॉल है मेरे विलेजर्स के लिए, कहां से लेके? हेलो ओ भाई, यहां तो एक 30-40 विलेजर्स हुआ करते थे मेरे पास, वो भी मैक्स लेवल के, सारे लग रहा है मारे गए भाई। एक सेकंड नीचे सीढ़ी पे जाकर देखता हूं कोई जिंदा। अबे गोलम तू पागल है क्या? पैस की तेरी। ओ अच्छा सॉरी, मैंने पागल है क्या, शील्ड नहीं पहन रखी, मारने लग गया। रुक जा भाई, मैं ये पहले तो ये उतार के ना पहले कपड़े पहन लूं, रख के चाटा मार दिया, 4 हार्ट चले गए, मर गया क्या? अच्छा अच्छा सॉरी भाई 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 भाई, भाई, भाई पागल ही हो गया भाई, रुक जाओ ये मेरा। बे यार मैं कैसे समझाऊँ इसको, तू मार ले तेरी भैंस की तू बेटा, तू विलेजर्स को तो बचा नहीं पाया, अब क्या लड़ रहा है? मैं निकल यार निकल, दिमाग खराब, इतने दिनों बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मूड खराब कर दिया इसने। बट हाँ यार मुझे नहीं पता था कि मेरे सारे के देख रहे हो, मतलब इतने सारे विलेजर्स थे कि उनके रहने की जगह नहीं थी, बस बेड थे, बस सोने आते थे वो लोग नीचे, क्योंकि चिल करने के लिए उनके पास पूरा कासल था भाई, पर एक भी नहीं बचा भाई, एक भी, सिर्फ एक दरवाजा खुले होने की वजह से। पता नहीं यार कितने ज़ॉम्बीज ने घर में घुस के बेरहमी से उनके ऊपर अटैक करा हुआ यार। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से विलेजर्स लाऊंगा, बहुत सारे लाऊंगा और पूरा भर डालूंगा ये एरिया। मैंने यार अपना ये इतना तगड़ा कासल उन्हीं के लिए तो बनाया है, बट अभी कोई बचा ही नहीं। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये डायरेक्टली कासल के अंदर जाता है। ये देखो, यहाँ से भाग के आओगे तो सीधा पहुंच जाओगे भाई कासल में। ये देखो
इतना सीक्रेट एंट्रेंस कि कल को बाहर बारिश हो रही है तो तुम्हें छाते की जरूरत नहीं, नीचे से आओ। अभी कासल तो हो गया, कासल की बाहर वाली साइड आपको थोड़ी सी घुमाता हूँ मैं। लाओ भाई लाइटर लाओ। बड़ा दुख हुआ भाई, आते मुझे इतनी सारी मौतें देखने को मिल गई। तो ये था अपना कासल और पीछे उसके था टाउन हॉल, बट ये है अपना विलेजर हॉल जिसके अंदर बहुत सारे विलेजर्स हैं और ये सारे के सारे लाइब्रेरियन है, क्योंकि मैं इसको बेसिकली चोर बाजार बोलता हूँ। वो जो लोग माइनक्राफ्ट बहुत टाइम से खेल रहे हैं उन्हें पता होगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। इनसे मैं थोड़ा सा सस्ते में माल ट्रेड कर देता हूँ तो अपना काम हो जाता है। बहुत सारी बुक्स मैंने ट्रेड करके रखी हुई है तो मुझे अभी कोई ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। ये वाला एरिया इसके बारे में ना ही जानो तो बेटर है। ये वेंडिंग मशीन बनाने की नाकाम कोशिश थी मेरी जिसमें मैंने अपना बहुत सारा रिसोर्स वेस्ट करा। बट हाँ, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज जो मैंने अपने वर्ल्ड में बनाई थी वो थी ये लेक। देख रहे हो भाई क्या मस्त है भाई, डुबकी मारो सीधा और इस बोट में बैठ के पूरा कासल घूमो। ये बोट ऐसे अपना मस्त चलते हुए जाएगी, फिर बीच में एक छोटा सा ब्रिज पड़ेगा, पत्ती वत्ती तोड़ दो थोड़ी और उसके नीचे से निकल के जाओ भाई दूसरी साइड पे, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने म्यूजियम पे। और इस पानी के अंदर मैंने बहुत डिटेलिंग करी है, देख रहे हो एक बंदा डूब के मर गया, कैप्टन स्केलेटन। चलो वो भाड़ में जाए, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ बाहर। तो उधर है जू, इधर है ट्री हाउस, बट सबसे डेंजरस और सबसे ज्यादा मेहनत वाला बिल्ड है म्यूजियम। इसके अंदर लेकर चलता हूँ आपको। कुछ कुछ चीजें तो थोड़ी सी मजाक लगेगी कि कोई भी कर ले, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको देख के मजा आ जाएगा। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है, बट फिर दोबारा देख लो यार क्या हो गया। तो बेसिकली ये जो अपना म्यूजियम है इसमें सारी रेयर चीजें। ओ वेट वेट वेट, वार्डन रुक जाओ, मैं इसीलिए नहीं आना चाह रहा था। तो सीन क्या है ना, अपने म्यूजियम में आने के लिए ना नाइट विजन चाहिए होता है, क्योंकि मैंने वार्डन पाला हुआ है जो कि हमारी आंखों के आगे अंधेरा कर देता पागल कहीं का। अबे वार्डन भाई 2 मिनट टूर कराने थे, मेरे पास अभी नाइट विजन नहीं है, माना कर। हाँ एक बारी मैं जल्दी जल्दी से ले भैंस की इसने, ठीक है। हाँ तो चलो एक बार ये वाली साइड आप लोग देख लो, इधर है अपना मस्त। कर ले भाई अंधेरा कर ले। चलो गाइस अंधेरे, अबे बिल्कुल ही अंधेरा कर दिया। रुको यार मैं नाइट विजन लेके ही आता हूँ, ये मेरे को चैन से ना जीने नहीं देगा, पागल गई। अबे भिड़ जाऊंगा कुछ दिख नहीं रहा है। वो भाई इफेक्ट दे रखा है उसने मेरे को, भाई वार्डन ना अलग ही जहरीला बंदा कसम से। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैं नाइट विजन लेकर आ चुका हूँ। स्प्लैश वाला से बस जमीन पे फेंक देते हैं और अभी मुझे वो अंधा नहीं कर पाएगा, मतलब आंखों के आगे अंधेरा नहीं कर पाएगा। बाकी यार मैंने अभी भी नोटिस करा कि नाइट विजन का जो कलर है बॉटल का वो भी चेंज हो चुका है। मतलब अपडेट आया तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। बाकी इधर बहुत सारे एनिमल्स हैं, सॉरी एनिमल्स नहीं है, मॉन्स्टर्स हैं। ब्लेज है अंदर, वो मकड़ी ऊपर चढ़ के बैठी हुई है, और यहाँ पर अपना पिकलिन भाई साहब है। इधर इधर कौन था, इधर अच्छा सॉरी इधर शायद से एंडरमैन था जो कि भाग गया, और इधर भी अच्छा सॉरी ज़ॉम्बी है, इधर डेजर्ट वाला, इधर एंडरमैन इधर है। और यहाँ पर मैंने ऐसी बहुत सारे टाइम पास मॉन्स्टर्स लाकर पाल रखे हैं, मतलब ए टू जेड सारे मॉन्स्टर इधर है। बट सबसे क्रेजी और सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स जो हैं उनको मैंने स्पेशली नीचे ले जाकर एक अलग ही कैबिन में रखा है, क्योंकि वो आपस में ही लड़ मरते हैं। तो सबसे पहला है सी का सबसे बड़ा मॉन्स्टर एल्डर गार्डियन, उसके राइट में है अपना ये तो हर जगह का डेंजरस मॉन्स्टर है, पानी में भी घुस के गंदा मारेगा विदर। उसके राइट में है घास, डेंजरस नहीं है बट ठीक है मान लो। बट सबसे राइट में है वार्डन भाई साहब, ये अकेला यहाँ पर है तो सबको तोड़ फोड़ डालेगा, इसलिए इसका ध्यान भटकाने के लिए मैंने वहाँ पिस्टन लगा दिया ताकि छोटे बच्चों की तरह उससे खेलता रहे। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना तो उन्हें कुछ ऐसा खिलौना पकड़ा दो फिर वो चुप हो जाते हैं, तो इसका भी समझ लो वही हिसाब है। पर हाँ अगर उसका वो खिलौना टूट गया किसी दिन रुक गया ना तो वो बाहर निकल के मॉन्स्टर को तो मारेगा, मुझे अलग मार के कासल तोड़ देगा। मतलब वो नहीं तोड़ पाएगा पर वो विदर को आजाद कर देगा, बाकी काम वो कर देगा। ये तो अंधा कर रखा है इन्होंने मेरे को, ये दो वो कुछ हो ही नहीं रहा, तू थोड़ा सा पागल है निकल। हाँ तो ये हो गया मेरा म्यूजियम, उसके सामने है मेरा प्यारा सा ट्री हाउस। ये स्काई वगैरह भी अजीब सा हो रखा है क्योंकि मैंने नाइट पोशन पी रखा है, रुक जा थोड़ा सा दूध पी लेते हैं। गाय 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 भाई गाय, यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज़ का मेला लगा पड़ा है पूरा गंदे वाला। गोलम वोलम से दूध ले लूंगा, तुम देते हो भाई दूध, तो नाच रहे हैं। ओके वेट वेट वेट, इधर बहुत सारी काम है, अपना काम हो गया, बस थोड़ा सा दूध पीना ताकि नेचुरल अंधेरा हो यार, ये नकली अंधेरा पसंद नहीं है। ला भाई थोड़ा दूध पी के इफेक्ट क्लियर करो पहले। वाह अब आया भाई नेचुरल। चलो लाओ भाई पानी वापस, थैंक यू कहूं। चलो भाई चलो चलो वापस वापस दिखाता हूं मैंने क्या क्या बनाया। हां तो मेरा नेक्स्ट क्रेजी बिल्ड था ये ट्री हाउस। वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा खास क्रेजी नहीं है अंदर से, तो बाहर से देख के खुश हो जाओ, बट चलो दिखाई देता हूं यार, मतलब जिसने नहीं देखा उन्हें क्या ही पता होगा। यहां पर ऐसे मस्त मैंने ऊपर जाने के लिए ऐसे क्या बोलते थे यार, तो मैं भूल गया सारी चीजों के नाम, बेरीज ग्लो बेरीज बोलते थे शायद। और इसमें मैंने तोते भी लाके पाले थे। तोते कहां रखे थे, इस वाले फ्लोर पे कमरा एंड टोटेम ऑफ अंडाइन चेस्ट वेस्ट तो खाली है, दिखावटी है। ऊपर वाले फ्लोर पे ये रहे, ये यहां पर मैंने तोते लाके पाल रखे हैं, दो दो तोते हैं। बस यही था मेरा ट्री हाउस जो कि बाहर से ज्यादा प्यारा लगता है, अंदर से उतना नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा क्रेजी है। एक काम करता हूं मैं ना पहले सो ही लेता हूं, वरना इतने ज़ॉम्बीज़ हैं ना मेरे को ही मारेंगे। हट बैठ, पहले सोना जरूरी है, ज़ू पे ही सोऊंगा आज मैं। चलो भाई गुड मॉर्निंग ज़ॉम्बी भाई साहब, निकल यहां से बाहर निकल। तो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करा दी, बट अब बारी है जू दिखाने की, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा बिल्ड था। यहाँ पर हर टाइप के प्यारे एनिमल्स हैं, म्यूजियम में मॉन्स्टर से जू में अच्छे एनिमल्स हैं। तो इधर है पांडा एंड सामने
सामने मैंने वो पाला हुआ था यार, जहाँ तक मुझे याद है वो। हाँ तो इधर मैंने पाला हुआ था पोलर बियर, बट वो भी पता नहीं कैसे मर गया यार। शायद ये एनवायरनमेंट उसके लिए नहीं है भाई, यहाँ गर्मी पड़ती है, बर्फ में रहता है। इधर फॉक्स है, इधर तो चलो शीप हो गई जो कि सारी घास खा चुकी है, सब खा लिया इसने। इधर भाई इधर शीप पाली थी मैंने, इधर पिग है, उधर वो कौन है, बिल्ली, बिल्ली है भाई। बहुत सारे एनिमल्स मर गए यार। ये काव है नहीं, ये गोट है। तो इधर गोट पाली है, ये तो खैर जिंदा है। वेट यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स जो मैंने पाले थे ना वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि टर्टल है भाई, टर्टल है। ये तो वैसे भी 500-600 साल जिंदा रहते हैं, तो यहाँ भी है। घोड़े हैं इधर, गधे हैं इधर। पानी के अंदर कोई जिंदा है क्या? ओ यस यस, छोटी छोटी फिश तो अपना घूम रही है भाई, सही है। बट डॉल्फिन्स भी थी मेरे पास, वो भी मारी जा चुकी हैं। एंड ये वाली साइड पे मैं सोच रहा था कि नेदर के अच्छे एनिमल्स लाऊंगा, बट नेदर में कोई अच्छा है नहीं, सारी मॉन्स्टर है, तो इसलिए ये जगह भी ऐसे खाली छोड़ रखी है। तो चलो यार, वैसे सारी बिल्ड हो चुकी है, लेकिन मैं कल पूरा भागते हुए यहाँ तक आया और मैंने यहाँ पर आकर अपना गेम बंद कर दिया और सामने मेरे चेरी ब्लॉसम बायोम था। ठीक है भाई, न्यू बायोम भी हमें मिल चुका है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा था मिलने वाला है। मैं अपने कासल से बहुत ज्यादा दूर आ गया, ये वही है ना, ये नए वाले पेड़ और ये पत्तियां गए। वाओ, इसे मैं कलेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मेरी इन्वेंट्री में स्पेस स्नो ब्लॉक हटवे। एक सेकंड भाई, ये न्यू चीजें मिले, इससे मैं कुछ बना सकता हूँ। आई थिंक इससे पिंक डाई तो बन जाएगा, बट एक सेकंड, ये न्यू वुड भी है भाई, लेट्स गो। इसको तोड़ के देखता हूँ, इससे क्या पिंक ब्लॉक बनने वाले है क्या? यार मेरी इन्वेंटरी में इतना कूड़ा क्यों भरा हुआ है, इतनी नई नई चीजें आई है, मुझे वो चाहिए। हाँ भाई, ये वाली लकड़ी तोड़ते पहले फटाफट से, इस लकड़ी से कुछ बना के देखते हैं। वाओ, चेरी प्लैंक्स इससे बना सकता हूँ मैं, और चेरी प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास ऑलरेडी है। चेरी प्लैंक से चेरी डोर भी बन जाएगा। वेट, यस, ये देखो भाई चेरी डोर कैसा दिखता है, काफी प्यारा सा, ऐसे डोरेमोन में शिजुका का घर होता है ना, उसके घर का दरवाजा लग रहा है। अरे फालतू ची, बाद में देखूंगा इसे। भाई यार ये ट्री सच में बहुत ज्यादा प्यारे है, इसमें से देख रहे हो कैसे पिंक पार्टिकल्स गिर रहे हैं पूरे में। एक काम करता हूँ, शेयर बनाने से बढ़िया मैं इसकी सारी लकड़ियां तोड़ दूं। अगर ये पेड़ की जड़ नहीं बचेगी तो ये पेड़ प्रॉपर अपने आप झड़ेगा और मुझे सैपलिंग मिल सकती है। ओके, इधर से तो तोड़ दिया पूरा, इधर थोड़ी बहुत। भाई ये कैसा पेड़ है? एक सेकंड यार, ये पूरा ट्री ना आपस में अटैच्ड है, मुझे कोई ऐसा ट्री ढूंढना पड़ेगा जिसकी मैं सारी वुड तोड़ पाऊं, एंड आई थिंक ये वो है। तो ठीक है, इसको तोड़ दें, फिर चढ़ जाता हूं, इसकी सारी वुड तोड़ते हैं भाई। मेरे को इसकी सैपलिंग चाहिए भाई, कुछ भी करके मेरे को घर पे ले जाके पेड़ उगाना है अपने कासल के अगल बगल। आई होप ये पूरा टूट चुका है, आई होप इसके अंदर कोई लकड़ी ना बची हो और ये धीरे धीरे टूट जाए। टूट, बड़ा बदतमीज है, कुछ बच गया क्या? वेट यार, पेड़ तो टूटने का, एक सेकंड, इसके अंदर शायद से ना एक लकड़ी बच गया है। अगर एक भी वुड बचा होगा तो ये नहीं टूटेगा। यस, अभी सारी लकड़ियां मैंने तोड़ दी और अभी जो पेड़ है वो धीरे धीरे टूटने लग जाएगा। यस, इसकी पत्तियां कम हो रही है, ये देखो। अच्छा अच्छा भाई, प्लीज एक सैपलिंग दे दे मुझे, एक सैपलिंग के लिए शीयर्स ना बनाना पड़े। गिरा, यस यस यस, गिर गई भाई। वाओ, मेरे को ये मिल गई चेरी सैपलिंग, दो। वैसे तो दो से ही अपना काम हो जाएगा, बट मैं सोच रहा हूँ भाई हैं तो थोड़ी सी और लेकर चलते हैं, जब तक ये कलेक्ट कर लेता हूँ। यार ये भी मतलब ऐसे जमीन पे रखने के लिए बहुत मस्त है, अपने कासल के गार्डन में अगर मैं बहुत सारी पिंक पेटल्स, थोड़ा बहुत इसका मैं लॉग भी इकट्ठा कर लेता हूँ, ये भी मस्त है। कहीं ना कहीं तो इसे मैं डेकोरेशन में लगा ही दूंगा, दरवाजे वगैरह बना लेंगे। बाकी ठीक है, अभी ये काफी तक टूट चुका है और मुझे यहाँ से 3 सैपलिंग मिल गई हैं। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, मेरा काम हो गया भाई। वैसे यार एक सेकंड, ये चेरी ग्रुप बायोम इतना ही छोटा होता है या फिर मेरी किस्मत थोड़ी खराब है? मतलब कितनी बड़ी बड़ी बायोम्स होती हैं, बट ये बहुत ज्यादा छोटी सी लग रही है। ठीक है, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता और मिल जाए, क्योंकि मैं अभी काफी अनएक्सप्लोर्ड एरिया में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर सारी चीजें नई नई जनरेट होने वाली है। आई होप मुझे सस्पिशियस सैंड एंड सस्पिशियस ग्रेवल भी मिल जाए। बहुत तेज भूख लग रही है भाई, थोड़ा सा फूड खाते हैं। ओके, तो काफी देर से मैं डेजर्ट एरिया ढूंढ रहा था और अभी मुझे वो फाइनली मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम बताया गया है, मुझे एक ऐसा डेजर्ट एरिया चाहिए होगा जिसके अगल बगल में सी या ओशन हो, जो कि यहाँ पर है। अब बस मुझे ना पानी में जो सैंडस्टोन वाले कुछ तो बिल्डिंग्स बने रहती है ना, वो ढूंढनी है। ओह वेट, सामने है, यही मुझे चाहिए भाई, लेट्स गो। अपने को ऑक्सीजन का दिक्कत होने वाला है बहुत ज्यादा, पर हाँ जो चीज को मैं ढूंढने के लिए आया था यहाँ पर फाइनली मिल चुकी है। अब यहाँ पर सस्पिशियस सैंड और सस्पिशियस ग्रेवल को मुझे पहचानना होगा और उसको इस झाड़ू से क्लीन करना है, फिर उसमें से कुछ तो मेरे को मिलेगा। पहले ना रुको यार, यहाँ पर ना मैं एक दरवाजा लगा लेता हूँ ताकि मैं एटलीस्ट ऑक्सीजन ले पाऊँ। पहले थोड़े से बबल फुल करते, चैन की सांस, इधर भी एक लगा देता हूँ, यहाँ पर भी सांस भर लेंगे चैन की। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत ढूंढाडांडी करता हूँ। देखो ये ग्रेवल नॉर्मली लग रही है, तो सस्पिशियस वाली ना वो दिखने में थोड़ी सी अलग होगी, और क्लीन करने पे वो ऐसे टूटेगी नहीं, क्लीन हो जाएगी। ओ वेट, अच्छा क्लीन राइट क्लिक, दिख तो नहीं रहा है भाई यहाँ पर कुछ भी, सैंड भी नॉर्मली लग रही है वाली। थोड़ा बहुत तोड़ के देखोगे ब्लॉक,
क्या पता ऊपर साइड से बस अलग दिखती हो। शायद से मेरे को नहीं मिला है, मेरे को ढूंढा डांडी बंद करनी चाहिए। ये लूटेड है क्या यार, मैं यहाँ पर पहले आ रखा हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, हम गलत एरिया आ गए। लाओ भाई दरवाजा वापस करो। भाई बाहर तो बहुत गलत रात हो चुकी है, मुझे अभी कोई और ढूंढना पड़ेगा। ओके यहाँ से जंप मारते हैं, थोड़ा सा नहीं अभी बहुत ज्यादा आगे चलते हैं, क्योंकि ये एरिया मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने एक्सप्लोर कर रखा है। ओके डेजर्ट की दूसरी साइड में आ चुका हूँ और वहाँ पानी में कुछ तो चमकता हुआ दिख रहा है, एक बारी वहाँ पर भी चलते हैं, क्या पता इधर मेरे को मिल जाए। लेट्स गो। ये क्या है भाई? वेट, यहाँ पर ग्रेवल है बट नहीं, अपने काम का नहीं है। 7-8 समुंदर पार कर चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे सस्पिशियल ग्रेवल और सैंड नहीं मिला। वेट एक सेकेंड, सामने भी कुछ चमक रहा है। रात में घूमने का फायदा ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये चमकते हुए दिख जाते हैं दूर से। तो एक बार चल, अरे वेट वेट रो तेरी भाई, यहाँ तो वाटर वाले ज़ॉम्बीज क्या बोलते थे, नाम भी भूल गया मैं, इतने दिन बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ तुम्हारे ऐसे। निकल यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ट्राइडेंट मारो बेटा तुम। ट्राइडेंट आज मैं घर से ट्राइडेंट नहीं लाया तो ज़्यादा शेर बन रहे हैं। इधर आ बेटा, निकल यहाँ से, निकल निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। इधर इसके पड़ेगा मुँह पर डंडा, फक तेरी ऐसे फक। अबे एक सेकंड, कितने सारे हैं भाई, हेलो मार इसको। अबे तुम्हारे ट्राइडेंट से मुझे कुछ हो भी नहीं रहा बेशरम, ले। अबे इसको मेरी एरो से भी कुछ नहीं हो रहा, निकल निकल यहाँ से। अबे वेट यार, ये तो धड़ाधड़ स्पॉन ही होते जा रहे हैं। आजा आजा आजा, निकल यहाँ से। और इसके हाथ में शेल है, शेल दे इधर। नहीं दिया, पता नहीं दिया नहीं दिया, छोड़ो। अभी मेरे को यहाँ पर एक न्यू एरिया मिल चुका है और यहाँ पर भी शायद से कुछ भी सस्पिशियस ग्रेवल सैंड नहीं है। लूटेड वो नहीं, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। इधर एक बड़ी ट्रेजर मैप भी है। बट एक सेकेंड, ये जो ग्रेवल है और ये जो ग्रेवल है, इन दोनों में डिफरेंस है। झाड़ू लाओ भाई, झाड़ू लाओ, झाड़ू लाओ, मिल गई चीज़। इसको क्लीन करते हैं। ये देखो इसमें से कुछ ये अगर कोल हुआ ना भाई, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पर भागता हुआ आया हूँ ये कोल लेने के लिए, इससे इसमें और कुछ होता है क्या? छी भाई कुछ नहीं होता। दरवाजा लगाओ भाई, इधर ऑक्सीजन की दिक्कत अलग आ गई। क्या है ड्रामे है भाई, मैंने 10 ज़ॉम्बीज से लड़ाई करी और उसके बाद मुझे सस्पिशियस ग्रेवल में से कोल मिला है। और होता है क्या कि एक ही रहता है एक जगह पर? ओ ये रहा, एक और है। कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ये वेट ना हो प्लीज, वेट नहीं भाई। ये क्या कबाड़ है भाई, इतनी रेयर चीज को ढूंढने का क्या फायदा? बताना तुम क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो? इधर इधर बेशरम आदमी, निकल यहाँ से। वो वेट यार एक सेकंड, यहाँ पे बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है। ये भी सस्पिशियस ग्रेवल है, दोनों का टेक्सचर में गोल्ड 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 गोल्ड। बाय वेट, ये कैसीनो टाइप सिस्टम है क्या? रैंडमली कुछ भी निकल रहा है भाई यहाँ से। वो वेट ये देखो, इस बार एमरल्ड निकल रहा है। ये क्या है? ओ तेरी भाई, डरा दिया। एक एमरल्ड क्या ले लिया तेरा इधर, और इतनी दूर कैसे जा रहे हैं? नॉकबैक लगा हुआ है क्या मेरी स्वॉर्ड में? यस नॉकबैक 2 है। ये मैंने कब लगा दिया भाई? बट ठीक है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर और भी है, तो थोड़ी बहुत और तोड़ा फाड़ी करते हैं। अपनी पिकैक्स सुपर डुपर फास्ट है, थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लो बस। चलो भाई, सारे स्टोन मैंने तोड़ डाले हैं और अभी एक सिंगल चेस्ट भी हटाओ यहाँ पर। ये सस्पिशियस ग्रेवल है। ओके ओके ओके, कुछ तो निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है भाई? पत्थर सा है, ये क्या चीज़ है? अरे इधर आ इधर आ, कहाँ जा रहे हो? रुक रुक रुक, मुझे कुछ नया मिला, एक्सप्लोरर पोट्री शर्ट। ये कुछ नया आइटम मिला है मुझे, बट पता नहीं क्या है। थोड़ा सा और यहाँ पर निकालता हूँ कुछ कुछ। ये तो टूल आ रहा है कोई, एक्स सारी आयरन की। वाह भाई, कुछ भी रैंडम चीजें मिल रही है भाई। बट हाँ, इधर शायद से जितनी ग्रेवल थी, जितनी सस्पिशियस ग्रेवल थी, मैंने सारी खोद डाली है। एंड अभी चलते थोड़ा सा आगे। यहाँ पर है क्या कुछ? एक डोर, यस यहाँ पर है। ये देखो ये रहा, इसके अंदर से तो कोल नहीं। ये एक और शर्ट है क्या? यस ब्लेड पोट्री शर्ट। भाई ये कुछ नया आया, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है शायद। यहाँ पर भी कुछ है भाई, खोलो 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 इसे। ओ वीट है फालतू, इसके अंदर है दोबारा से एक आयरन एक्स या फिर गोल्ड, गोल्ड मिला भाई। इस चेस्ट के अंदर भी एक बड़ी ट्रेजर मैप है, ट्रेजर मैप लूटने चलते हैं। नई नई आइटम चाहिए तो क्या पता कुछ नया भी मिल जाए। बाकी सस्पिशियस ग्रेवल जितनी भी है भाई, मैं सारी खोद के देखने वाला हूँ आज क्या क्या माल पानी इसमें से मिलता है। एक में से एमरल्ड मिला, यहाँ पर एक और दूसरी है, मेरे को एक और शर्ट मिल रहा है शायद से, शर्ट है। ओके मिला, ये पता नहीं क्या है, पोट्री शर्ट। यहाँ पर एक और है, इसको खोलता हूँ। ये भी पोट्री शर्ट है भाई, ये कुछ नया आइटम आया है, इसको मैं ट्राई करता हूँ क्या है। और इसके ना वेरिएशंस भी अलग अलग है। वैसे तो काफी सारा मैंने लूट लिया है, बट यहाँ पर पत्थर तोड़ने के बाद एक आध और मिल जाता है नीचे से। एंड इस बार मेरे को मिला है एक एमरल्ड, फालतू है जो कि फिर से एमरल्ड।
नहीं यार, एक ही चीज बार बार नहीं प्लीज। चलो यार बहुत लूटपाट हो गई, अपने दरवाजे वापस से कलेक्ट करके यहाँ से निकलते। वेट वेट वेट, पहले बाहर निकलता हूँ भाई, ऑक्सीजन चाहिए। मैंने कितना सारा माल पानी इधर फेंका भाई, पूरा गंद मचा दिया। एक बार ना पहले बाहर निकलता हूँ, एक दो नई रेसिपीज अन लोग को ये पोल्ट्री शर्ट लेने के बाद मेरे को पता करना है कि आखिर मैं इससे क्या बना सकता हूँ और ये किस काम का है, मुझे मालूम नहीं। और साथ के साथ मैं एक काम और कर सकता हूँ कि ये जो मेरे को ट्रेजर मैप मिला है ना, ये अगर आसपास ऐसे लूट के आते हैं क्या पता कुछ काम का मिल जाए। तो मैप के अकॉर्डिंग मुझे नॉर्थ वेस्ट में मूव करना है, यानी ये नॉर्थ है ये वेस्ट हुआ, तो मेरे को थोड़ा वेस्ट ज्यादा जाना है। तो पहले चलो या फिर पहले इस चीज का पता करूं ये है क्या। वेट एक सेकंड, मेरे पास एक क्राफ्टिंग टेबल है, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रख कर देखता हूँ कि आखिर मैं इसे क्या बना सकता। अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे रख दूं तो कुछ नहीं हो रहा, और एक और रख दूं तो भी कुछ नहीं हो रहा, एक और रख दूं। ओ वेट 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 वेट, ये देखो कुछ बना भाई, चार से डेकोरेटेड पोर्ट बना एक। ओके वेट, क्या है ये? ओ तो जो चार चीजें मैंने रखी थी उस शेप का कोई तो एक ये नया मटेरियल भाई मटका बन गया है। इस मटके के अंदर पानी वानी डाल सकते हैं क्या? अबे नहीं, इसका मतलब क्या है भाई? हेलो भाई, किस काम का है भाई ये? इसमें लड़ाई? ओ भाई मैं डर गया था, ये एक शॉट में टूट गया पूरा, देखने में बड़ा मजबूत लग रहा था। पर ठीक है यार, इसको मैं बना के लेके चलता हूँ, एटलीस्ट अपने इन्वेंट्री की जगह बचेगी। तो शायद से कलेक्टेबल आइटम है और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर हो तो यार मुझे कमेंट्स में आके बताना, अभी फिलहाल मुझे नहीं समझ आया। तो देखो मैं तो जा रहा हूँ फटाफट से ट्रेजर ढूंढने। तो ये था नॉर्थ, ये था वेस्ट, फटाफट में उड़ के, अरे रॉकेट कहाँ है? यस रॉकेट से उड़ गया हूँ मैं, और अभी चलना है मेरे को, पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस मैं आया, मैप में मैं दिखने लग गया हूँ किधर आ रहा हूँ, थोड़ा और आगे। ये रहा मैं, मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट, स्ट्रेट जाना है अभी, और मैं पहुँच गया ऑलमोस्ट ट्रेजर के पास, आइलैंड पे है। यस यहाँ पे लैंडिंग। भाई क्या परफेक्ट हो गया हूँ मैं ट्रेजर ढूंढने में। खो दो भाई, देखते हैं चेस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है आज। वैसे ऐसे नहीं ढूंढना चाहिए, जो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन है ना ये वहीं होता है, तो एग्जैक्ट पोजीशन ये है, यहाँ पे खोदता हूँ भाई। अब एक सेकेंड, ये भैंस की बाढ़ कहाँ से आ गई? अरे यार पत्थर शत्थर भी तोड़ देते भाई, कहाँ है भाई चेस्ट वेस्ट कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ तो। ओ वेट वेट, मिल गई, खुल भाई। अरे यार इसके ऊपर का तोड़ कर, डायमंड्स मिले हैं भाई, कितना मटेरियल मिला पर ऐसा कुछ रेयर नहीं मिला। आयरन मिल गया है बहुत सारा, इसको फेंको, गोल्ड भी फेंको। ये क्या है? पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग। ओ वाओ टेक्सचर चेंज हो गया भाई सारे, पर ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला फालतू। बाहर निकलो भाई, टाइम वेस्ट हो गया। दो कोड़ी का मैप निकल यहाँ से। मैं इतनी एक्सपेक्टेशन लगाकर गया था कि क्या पता नहीं कुछ यूनिक शूनिक चीज़ें मिल जाएगी, बट कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। और मेरे पास अभी ज्यादा रॉकेट भी नहीं बचे हैं और मुझे वापस घर के लिए बहुत दूर जाना है। बट ठीक है, थोड़ी बहुत और ढूंढन ठांडी करता हूँ, क्या पता कुछ मुझे नया यूनिक रेयर सा मिल जाए। भाई थोड़ी देर में ना गलत वाली रात भी होने वाली है। वेट एक सेकेंड, ये क्या जगह भाई? हेलो, ये तो किसी की कब्र लग रही है। यहाँ पर है क्या कुछ सस्पिशियस सैंड? वैसे हाँ सैंड भी तो होती है, मैं सिर्फ ग्रेवल ढूंढने में लगा हुआ था, इधर देखने में लग तो नहीं रही है। यस यस है, दिखी दिखी दिखी, तुम्हारा भाई पहचान लेता भाई। ये देखो इसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी इसके अंदर से मेरे को लग रहा है कबाड़ ही मिलने वाला है। इसके अंदर वीट है और उस दूसरे वाले के अंदर शर्ट है। ला भाई शर्ट दो, कुछ नया है तो यही इकट्ठा करते हैं। और ये मस्त चीज़ है कि पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, हल्का सा देख लो क्या है, नहीं समझ आ रहा अच्छा नहीं है मतलब। बाकी इधर एक ही था क्या? और इसके अंदर से भी शर्ट ही मिल रहा है, सैंड नहीं है क्या यार? सस्पिशियस सैंड हाँ में मिलती है, देखने में तो एक भी नहीं लग रही। तो यार फिलहाल आज के लिए बहुत ज्यादा ढूंढ ढांडी कर लिया है, अभी मैं निकल रहा हूँ वापस से कासल के लिए, बट वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल आज के सारी वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, बहुत टाइम बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ एंड मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे 1.2 मिलियन लाइक का गोल है, पहली बार माइनक्राफ्ट में इतना बड़ा गोल कर रहा हूँ शायद। तो जाओ यार लाइक करने दो, गोल कंप्लीट कर दो, कमेंट्स में बताओ मुझे आगे क्या क्या बिल्ड करना चाहिए। वैसे नेक्स्ट आइडिया बहुत क्रेजी है, मजा आने वाला नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें। बाकी जो लोग चैनल पर न्यू है नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से जाकर दबा दो, इसी टाइप की बहुत सारी मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।